सर ये कारोबार कैसा चल रहा है? रोड का तो बहुत तबाह हो गई है हमारा, ये बड़ा मसला बड़ा हुआ है। चार साल हो गए जब से इमरान खान साहब आए हैं, तब से सड़क टूटी हुई है। एक बार बनी है, दोबारा पैप सीरीज पैप डालने उन्होंने तो फिर डाल के फिर चले गए हैं ये। उसके बाद सड़क बनी ही नहीं, ढाई साल हो गए हैं ये सड़क पैसे कैसे ही है। मतलब चार साल से सड़क टूटी है, ये चार साल हो गए हैं रोड नहीं बना, ये वाला चार साल से रोड नहीं बना, ये चार साल हो गए रोड है तोड़ के। पहले सड़क बनी है, डेढ़ साल बाद सड़क बनी थी, सीवरेज पाइप डाले इन्होंने, उसके बाद इन्होंने दोबारा सड़क बनाने आया ही नहीं, पैप डाल के चले गए हैं। ढाई साल तीन साल हो गई इस बात को, उसके बाद सड़क नहीं बनी वाली। तो भाई साहब ट्रैफिक यहाँ पर बुरा हाल हर वक्त, मैं कहता हूँ ट्रैफिक फंस जाती है तो आधा आधा घंटा 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 ट्रैफिक निकलती नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है, गाहक आने की बड़ी प्रॉब्लम है, इधर कारोबार तबाह होगा लोगों का। तो आपकी मेहरबानी है कोई मीडिया के जरिए आप आगे कोई पैगाम पहुँचाए इनको, ताकि ये सड़क बने तो आवाम को। बड़ी इम्पोर्टेंट रोड है, इस रोड पे न्यू हॉस्पिटल भी है, लेडी एचएसएन। आप ये देखें कि लेडी एचएसएन में जब कोई आमला औरत आती है ना, यकीन माने ऐसा हो जाता है कि दरवाजे में केस ना हो जाए। और फिर ये यहाँ से लेके ना नारकली चौक तक आप देख लें, कोई आता कोई माजूर आदमी हो वो हो ना, वो तो वैसे ही आधा मर जाता है। वो बेचारा चेयर पे लेके आए, किस पे लेके आए उसको। इस तरह हमारे कारोबार का इतना बड़ा गर्क हो गया हुआ है कि हम बिल्कुल भी काम गा कैसे आएगा, जब यहाँ से ट्रैफिक ही नहीं आएगी, इधर से नहीं आएगी, हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? हम तो आप भूखे मर गए, हमारे बिलों ने करके रख दिया, हम कहाँ जाएं, किसको अपनी आवाज़ बताएं? यकीन माने घर जाएं, घर से कोई बात मिलती है, दुकान पे गाहक टेंशन, हम तो आगे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए हैं, शुगर के मरीज़ हो गए हैं, किस कहाँ का जाएँ? वहाँ जाते हैं, इसलिए इस इलाके को उस चीज़ की तंगी है, ये नून लीग का इलाका है, इस वजह से नहीं ये काम हो रहा। नहीं तो अगर हमजा शहबाज आए थे चाहे दो दिन के लिए आए, उन्होंने यहाँ का गया, सर्वे भी हो गया, वो भी हो गया, उसके बाद वो उतर गए हैं, उसके बाद फिर हो गया, फिर दोबारा खुदाई, फिर इनको कोई काम याद आएगा फिर ये कहेंगे जी आज हमने ये पाइप डालना है ये डालना है, इन्होंने तो हमारा करके रख दिया है। यकीन माने हम आपके अपना दुख किसको बताएं? बाकी भाई साहब इस रोड पे आने के लिए तो बहुत दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए। 10 मिनट लेटिए जिस दिन के आगे खड़े हो जाए, आप खुद केस देखें, आप शर्मिंदा हो जाएंगे भी ये वाकई ये सही कह रहे हैं। हम तो इस इलाके के हैं, जो बाहर से आते हैं, कोई मुरीद के से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो ट्रांसफर कर देते हैं लेडिया जिस दिन में चले जाएं, वहाँ से चले जाएं, तो वो कैसे होगा? ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो न्यू हॉस्पिटल है ना, इसका जब गटर का पानी बाहर निकलता है ना, जब दो दो फुट पानी खड़ा हो जाता है, और वो पानी कम से कम हफ्ता हफ्ता नहीं निकलता। और जब सुबह हम आते हैं या शाम को हम आते हैं तो इधर दो दो फुट, आप इधर कई नमाजी भी गुजरते हैं, ये तो पूरा इलाके के जितने लोग हैं ये साथ ही मस्जिद और नमाज पढ़ते हैं, लाजमी बात है, जब नमाजी वो नापाक हो जाएगा वो नमाज कहाँ से पढ़ेगा। और उससे बड़ी बात यह है कि ये हर साल 6 महीने 3 महीने बाद कोई ना कोई आता है, कभी टेलीफोन वाला रहता है, कभी कोई आता है, कभी कोई केबल वाला जाता है, इसको उखाड़ता चला जाता है, लेकिन इसको चलो कुछ ना करें, इसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर दें, निकलने का रास्ता बन जाए। ये मेन सड़क है, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि न्यू हॉस्पिटल रोड है, ये यहाँ से एम्बुलेंस जो डेली जो खुदा ना खासा इधर अक्सर हादसा तो ये थे जो एम्बुलेंस एमरजेंसी होती है, एमरजेंसी होती है तो यहाँ से एम्बुलेंस गुजर के जाती है, ठीक है। अब जब एम्बुलेंस नहीं गुजरे, आम आदमी नहीं गुजरेगा तो एम्बुलेंस कैसे गुजरेंगे, मरीज कैसे गुजरेंगे? मेन सड़क ये न्यू हॉस्पिटल की है, यहाँ से अनारकली साथ लगता है, अखबार मार्केट साथ निकलती है, यहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट है, कोई छोटी मार्केट नहीं है। ये तकरीबन 4 साल हो गया रोजाना का यही किच यही रोजाना मसला यही है। अब पता नहीं वो आएगा तो वो करेगा, ये आएगा ये करेगा, जो भी आता है वो एक दूसरे पर डाल देता है, लेकिन काम कोई नहीं करता। हम किधर जाए पहले ये बताए सर, कब से ये सूरत हाल है, कभी किसी को कहा दरख्वास्त? हम तो दरख्वास्त तो नहीं दे सकते, हमारी कौन सुनेगा, इधर 4 साल से हम ये चीज देख रहे हैं, हमारी इधर रिहायश है। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, 2 मरतबा अपनी वाइफ के साथ मैं गिरा हूँ मोटरसाइकिल पे से, क्योंकि यहाँ जब बारिश होगी ना, ये देखें आप वो जगह देखें, जब इधर से मोटरसाइकिल आप उधर चढ़ाएंगे ना बारिश हो तो मोटरसाइकिल आगे नहीं चढ़ती। मैं 2 मरतबा ये 1 महीने के अंदर 2 मरतबा गिरा हूँ, और जब दुकानदार को हम देखते हैं ना, दुकानदार कहता है भाई आपकी गलती नहीं है, आप तो 7वें 8वें आदमी जो आज गिरे। तो यहाँ ये हर रोज इतने लोग गिरते हैं, जिस दिन हो जाए ना आप देखें, आप खुद भी नहीं इधर आ सकती। अब ये 8 दिन पहले 4 साल से पहले उधेड़ी हुई थी सारी, वो उस तरफ से ले गई इस तरफ, अभी 8-10 दिन से उन्होंने फिर ये की है। जब इनको कोई चीज मलबा चाहिए होता है ये थोड़ा उठा के ले जाते हैं, लोगों को तसल्ली होती है, वो काम करने लगे। तो ये 4 साल से इसलिए मसला बड़ा है। भाई साहब काम कारोबार कैसे यहाँ पर, कितने कारोबार इधर लोग गुजरना पसंद नहीं करते। आप अस्पताल के आगे देखे उधर जाके क्या हालात है, उनको नहीं लोग रास्ता देते जो वहाँ पे ये लेडीज अस्पताल लगता है। चलो मेन अस्पताल के तो रास्ते बहुत है ना, इस अस्पताल का मेन रास्ता ही यही है। तो वहाँ पे आप देखे चिंची वालों ने रास्ता बंद किया हुआ, किसी खुदाई वाले ने बंद किया। अभी आप जाए उस गेट के आगे देखे कितना बड़ा टोया उन्होंने मारा हुआ है, अभी भी है इसी तरह।
तो बात ये इधर कौन आना पसंद करता है, लेकिन जो लोग उधर से चल पड़े मे अस्पताल से उन्हें तो यहाँ तक आना ही आना है ना। ये शालम मार्केट का, आजम मार्केट का, बेशुमार मार्केटों का मेन रास्ता है। आप ये पूरी सड़क पर सर्वे करके देखें जरा, पैदल नहीं चल सकते आप। यही कोई अफसर का घर होता है आसपास, अफसर का कोई आसपास घर होता है, ये रातों रात ये सड़क बन जाती है। पास अफसर का घर होता है वो रातों रात सड़क बन जाती है। इतना सा भी खड्डा हुआ एक दिन में बन जाता है। इसी जगह पे मैं ये गिरा हूँ, आज मुझे 6 महीने हो गए। ओहो भाई साहब, आप कैसे गिर गए? इसी जगह पे गिरा हूँ मैं, आज 6 माह हो गए मुझे चोट लगी, अभी तक ठीक नहीं हो पाया मैं इसी वजह से। क्या कि इनके आसपास कोई अफसर नहीं रहता, सिर्फ अफसर के पास रहता हूँ ये रातों रात बन जाए। ये देखें आप कितने लोग जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें जा रही हैं। प्रेग्नेंट औरतों का हॉस्पिटल है ये, यहाँ औरतों को कहते हैं इस तरह लेकर आओ कि जरा सा झटका ना लगे। यहाँ तो आम इंसान ही सीधा आ सकता। आप ये आगे हॉस्पिटल के पास देखें किस तरह औरतें तकलीफों में आ रही हैं। दोनों हॉस्पिटल आमने सामने गेट है, पर यकीन करें मैं ये देख रहा हूँ ऐसे लगता है कि ये लाहौर का मेन दिल शहर नहीं है, ये कोई गाँव में कोई लाला मूसा की जगह पर हम खड़े हैं। ये लाहौर नहीं मुझे लग रहा, लाला मूसा भी अच्छा होगा ये। आप अभी आप खुद देखें, आपके कैमरामैन 2 फुट के ऊपर है, 1 फुट वो नीचे खड़ा है, कोई लेवल ही नहीं है जगह का, लगता ही नहीं ये लाहौर है ये।